कसम हमारी है, ये कसम हमारी है, ये कसम हमारी है, चल शुद्ध कराएंगे। आज यमुना छठ है और यमुना छठ आप देख रहे हैं दृश्यों में सुबह से की कितने धूमधाम के साथ श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। पिछले दो वर्षों के बाद इस बार पहली बार इतने अच्छे उल्लास के साथ भक्ति भाव के साथ मनाई जा रही है। और इस वक्त हमसे जुड़े हुए हमारे साथी मोहित जी चतुर्वेदी। और मोहित जी, क्या कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे अपने शब्दों में आज के पूरे यमुना जी के यमुना छठ उत्सव पर? जी योगेश जी, बताना विशेष तौर पर ये जो दृश्य हम देख रहे हैं अभी के डोले के और झांकियां नजर आ रही हैं हमें, आकर्षक आकर्षक जो और भी हैं, श्रीनाथ जी भी लग रहे हैं, ये सब आप कृपया बताएं। जी योगेश जी, बताना चाहूँगा कि जैसा कि मथुरा में जन जन की आराध्य माँ यमुना का आज प्राकृतिक उत्सव पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, सुबह प्रातःकाल से ही मंगला आरती के साथ भक्तों ने माँ यमुना की आरती का सौभाग्य प्राप्त किया था। उसके बाद में यमुना जल पर पहुंचकर, यमुना के घाटों पर पहुंचकर, मुख्य रूप से विश्राम घाट पर पहुंचकर सभी ने माँ यमुना का दूध, फूल, फल और मिठाई से अभिषेक किया, पूजन किया और अपनी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद लिया। इसके बाद श्री माथुर चतुर्वेद परिषद, क्योंकि विश्राम घाट पर श्री मथुरा के चतुर्वेदी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था है और इसी बैनर तले हर साल भव्यता के साथ आयोजन माँ यमुना के प्राकट्य उत्सव का किया जाता है। पिछले दो बार कोरोना काल के मध्य संपन्न हुए व्यवस्थाओं के बाद इस बार एक बार फिर भव्यता के साथ माँ यमुना जी का जन्मोत्सव मथुरा में मनाया गया। माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक के नेतृत्व में सभी व्यवस्थाएं चाकचौवन तरीके से संपन्न हुई। पूर्व निर्धारित तरीके से ही इस बार भी विश्राम घाट से शाम को माँ यमुना की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो बंगाली घाट आर्य समाज मार्ग होली गेट छत्ता बाजार होते हुए वापस विश्राम घाट पर पहुँच कर संपन्न हुई। करीब आधा दर्जन झांकियाँ इसमें शामिल थी, जिसमें सनाथ जी थे, कृष्ण और राधा के स्वरूप थे और अंत में मुख्य डोले के रूप में माँ यमुना का की झांकी चल रही थी, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान जगह जगह भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा माँ यमुना की शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जय घोष पूरे मार्ग पर गुंजायमान रहे। ये कसम हमारी है, चल शुरू कराएंगे। ये कसम हमारी है, चल शुरू।